गुड मॉर्निंग, आपका सैनिक कैरियर एजुकेशन में स्वागत है। आपको विद्युत पता होगा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अकॉर्डिंग टू टेंसेज, जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। और पिछले अगर मैं दोहरान करूं या रिपीटेशन करूं तो उसमें आपको बताया गया था कि कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को शो करती हैं, जैसे निश्चित ट्रुथ के बारे में बताया था, जियोग्राफिक फैक्ट के बारे में बताया था, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताया था, शेड्यूल टाइम टेबल प्री प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताया था। फिर मैंने कुछ आपको वर्ब्स के बारे में बताया था कि सिंपल और इंडिफरेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताया था, इजारम का प्रयोग बताया था। फिर इजारम के बाद में सिर्फ आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताया था, जैसे शहद मीठा होता है, जल जीवन होता है, बच्चे मासूम होते हैं। फिर उसके बारे में मैंने बताया था उसका इंटेंशन, मतलब इजारम के बाद में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, इज और एम के बाद में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इंटेंशन यानी इरादा। इरादे के अंदर आपको बताया था जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे घर जाना है, ना शब्द जिसमें आता है, मुझे अखबार पढ़ना है, तो ये इंटेंशन में था। मतलब इज और एम के बाद में नाउन या एडजेक्टिव हो वो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन यदि इज आर एम के बाद में 2+ इन्फिनिटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इंटेंशन होता है। इंटेंशन मींस इरादा, मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम, मुझे अखबार पढ़ना है, आई एम टू रीड न्यूज़पेपर, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, आई एम टू टीच यू। तो ये कौन से हैं, ये इजारम के बाद में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम 4 पॉइंट पढ़ चुके थे, हमारा आज 5वां पॉइंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सब्जेक्ट हैज ए प्लस नाउन। हैज ओब्लिक हैव, लेकिन अब हैज एव के बाद में क्या हो, या तो आपका नाउन होगा, ये बोलते हैं पोसेशन, पजेशन अधिकार। ऐसे सेंटेंस जो आपने कई बार आपके पैराग्राफ राइटिंग में देखे होंगे, स्टोरी राइटिंग में देखे होंगे, इसके बारे में बताया जाएगा आपको विस्तृत से। जैसे किसान के पास एक बड़ा खेत है, किसान के 4 पुत्र हैं, किसान के एक बड़ा खेत है। एग्जाम्पल देखिए, किसान के एक बड़ा खेत है, किसान के पास या किसान के एक बड़ा खेत है, इसके अंदर क्या है, हैज हैव मतलब का प्रयोग है रखना या उसके पास है, लेकिन आगे दे रखा है नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो इसमें बड़ा खेत एक नाउन है, द फार्मर हैज ए लार्ज फील्ड। बताओ इसमें वर्ब के बाद में वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब अगर हैज है तो उसके बाद में वर्ब कौन सी है, किसान के 4 पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, द फार्मर हैज 4 सन, 4 सन्स। हैज के बाद में नाउन दिया हुआ हो, पजेशन हो, अधिकार, तो उसमें हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नाउन का इस प्रकार से बनाया जाएगा। एक रूप तो इसका यह है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, इजारम के बाद में सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव दिए गए हो तो उसी का रूप यह है, प्रेजेंट ही चल रहा है अभी ये। दूसरा इसका आएगा 6वां पॉइंट आपका, हैज के बाद में क्या हो, तो यह होगा 6ठा पॉइंट इसी में, सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के इन्फिनिटिव के बाद में क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्पिटिशन का मतलब होता है मजबूरी, मेरी ये मजबूरी है, बाध्यता, कॉम्प्लिकेशन। जैसे एग्जांपल फॉर हैज़ के बाद में टू दिया हुआ हूँ, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ, ऐसे बहुत से सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर देखते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आप ये सोच रहे हैं कि ता है, ती है, ते है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, नथिंग। सब्जेक्ट के बाद में हैज प्लस टू इन्फिनिटिव दिया हो, अगर आपकी मजबूरी है तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात इसका प्रयोग किया जाएगा। हैज के बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग, ये प्रेजेंट का ये काम है। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ इन्फिनिटिव टू, बनाना की कुक क्या फूड, आप पढ़िए, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी पत्नी को मेरा इंतजार करना पड़ता है, मेरी पत्नी को मेरा इंतजार करना पड़ता है। क्या करेंगे, आई हैव टू वेट, आई हैव टू वेट किसकी, फॉर मी, आई हैव टू वेट माई वाइफ। किसके लिए कर रहे हैं आप, मेरी पत्नी को, ये होगी माई वाइफ, माई वाइफ हैज टू वेट किसका, फॉर मी, मेरी पत्नी को मेरा इंतजार करना पड़ता है, माई वाइफ हैज टू वेट किसका, मेरा, फॉर मी यानी मेरा। ये कौन से हैं, ये कॉम्प्लिकेशन का है, मेरी पत्नी की मजबूरी है कि मेरा इंतज़ार करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मेरी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ, ये बनाना पड़ता है। स्कूल के अंदर मोहन को दरवाजे खोलने पड़ते हैं, मोहन हैज टू ओपन द डोर, मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होम, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए हैजव का यूज किया जाएगा, और हैजव के बाद में हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो इस वाक्य को बनाने के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे की आई हो गई, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव, इसके बाद में टू इन्फिनिटिव, वर्ब यहां पर है बनाना, बनाना की कुक आ गई, क्या बनाना पड़ता है, भोजन। इसी प्रकार से मेरी पत्नी माई वाइफ हो गया, एक वचन है इसलिए हैज आ गया, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया आपने, फिर क्या करना पड़ता है, इंतजार करना, इंतजार करना वर्ब है वेट किसका, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर मी मेरा, ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती है। तो यहां तक हमारा जो था ये प्रेजेंट पूरा हुआ है। अब प्रेजेंट की दो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही गहन है, डीपली है। किस प्रकार से, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं जो सिर्फ ओनली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शो करती हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को ही शो करती हैं। कुछ कंडीशन उसमें ऐसी होती हैं कि हम उसको बिना एडवर्ब के ही, हम ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही आएगा, चाहे वो इनिशियल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे जियोग्राफिकल फैक्ट हो, मैथमेटिकल ट्रूथ हो, चाहे प्री प्लानिंग हो, शेड्यूल हो, टाइम टेबल हो, तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो हम श्योर ये मान लेते हैं कि वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को ही शो करती हैं। फिर मैंने क्या बताया था, फिर सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको तीन सूत्र बताए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाला मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आगे बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम हो, इज आर एम के बाद में कोई नाउन दिया हुआ हो, या कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जैसे शायद मिटा होता है, जल ही जीवन होता है, बच्चे मासूम होते हैं, ऐसी चीज़ें यह प्रेजेंट सिंपल को शो करती हैं। फिर उसी का दूसरा उदाहरण मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फिर मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम दिया हुआ हो, इज आर एम के बाद में टू प्लस इन्फिनिटिव टू हो, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, जिसमें ना शब्द आता है, मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे लिखना है,
ऐसे शब्द आए। फिर अपने चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट में आए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नाउन दिया हुआ हूँ, नाउन के बाद में क्या हो, जैसे उसके पास में बड़ा खेत है, मोहन के किसान के चार पुत्र हैं, तो ऐसे चीज़ें होती हैं। फिर इसी का रूप दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद में टू इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हूँ, यह हमें कॉम्प्लिकेशन होती है अर्थात मजबूरी होती है, क्योंकि मुझे खाना क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को मेरा इंतज़ार करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। मोहन को दरवाजे बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो चपरासी है, उसका काम यही है। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो यहाँ तक आती है। तो ये बातें किसकी थी, प्रेजेंट की। प्रेजेंट क्या है, ये अधिकांश की एक गलत फहमी होती है। आपको मैं नोट में दो चीज़ें लिखाऊंगा, नोट लगाकर आपको दो चीज़ें लिखाई जाएंगी, कि आप लोग ये कन्फ्यूजन होते हैं कि कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, दोनों एक ही मानते हैं इसको, क्योंकि वो एक लिंकिंग रूप का कार्य करती है। नॉट इज आर एम, इज आर एम, एम हैज हैव, जब वाक्य में अकेली यूज होती है, जब सेंटेंस में अकेली यूज होती है, ध्यान से देखिए, इज आर एम हो और हैज हैव हो, जब ये सेंटेंस में अकेली यूज होती है तो ये प्रेजेंट सिंपल को शो करती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल को शो करती है। कौन कौन सी चीजें हूं, इज आर एम दी भी हूं या हमारी हैज हैव दी हुई हो, ये जब अकेली यूज होती हैं वाक्य के अंदर तो हमेशा ये प्रेजेंट सिंपल को शो करती हैं। दूसरा पॉइंट है, जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब द ऑब की वर्ब, मैन वर्ब के रूप में जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो, यह हमेशा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, तो उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनता है, तो उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनता है। अब हम दोनों को एक ही कहते हैं, बात हालांकि एक ही है, लेकिन रियलिटी इसमें डिफरेंट क्या है, इज और एम, हैज हैव, जब सेंटेंस में अकेली यूज होती है अर्थात उसके आगे कोई वर्ब नहीं आती है, जैसे आपको दो एग्जांपल देके बताए थे, शायद मीठा होता है, जल जीवन होता है, यह हरा पेड़ है, यह एक अध्यापक है, अकेली यूज होती है तो यह हमेशा किसको शो करती है, प्रेजेंट सिंपल को, यह होता है प्रेजेंट सिंपल। है आता है लेकिन उसमें आगे वर्ब नहीं आती है। लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़िए, जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका कार्य करे, एक मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, तो उससे जो बनने वाले वाक्य हैं वो किसको शो करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनता है, ये तब हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अगर इसमें इज आर एम या हैज के बाद में वर्ब नहीं होती है उनको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मोहन की जेब में 100 रुपये हैं, मोहन हैज 100 रुपीज इन हिज पॉकेट, क्योंकि इसके बाद में हैज के बाद में वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है।
मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन राइट्स ए लेटर, राइट्स इसमें वर्ब होने के कारण ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो पूरी बातें हमने पढ़ी थी, वो है प्रेजेंट की। आज हम पढ़ेंगे पास्ट की। आज हम किसको शुरू करेंगे, अभी पास्ट को। तो एक बार दोबारा से रिपीटेशन पे है, हमने कौन सा पढ़ा था, हैज हैव के बाद में नाउन दिया हुआ हूं। दूसरा पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू इन्फिनिटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, उसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, और कॉम्प्लिकेशन यानी मजबूरी। और फिर हमने ये दो बातें आपको बताई हैं कि जब इजारम या हैजब के बाद में वर्ब नहीं होती है अर्थात अकेली यूज होती है, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वो प्रेजेंट सिंपल को शो करेंगी, और जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक मैन वर्ब के रूप में कार्य करती है, हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, यह इंडिफिनिट टेंस से बनता है। अब उसी प्रकार से जैसे हमने प्रेजेंट को पढ़ा है, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पास्ट, वैसा का वैसा जैसे प्रेजेंट का है उसका पास्ट रूप कर देंगे। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आज आ जाएगी कौन सी, सेकंड वर्ब, अर्थात जिसको हम अपन वी टू कहते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या है, अपने आप में पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अपने आप में पास्ट इंडिफिनिट टेंस होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होती है। पहला इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग में आपने देखा होगा तीसरे नंबर का जो फार्मूला लगाया जाता है यही लगाया जाता है। सबसे पहला फार्मूला कौन सा होता है, वाज वर्ब का विशेष प्रयोग, स्पेशल यूज ऑफ द वाज वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता। तो तीसरा सूत्र आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने गरीबों की मदद की, हमने गरीबों की मदद की, हमने इसमें सब्जेक्ट है, गरीब इसमें ऑब्जेक्ट है, मदद करना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा, वी हेल्प्ड द पुअर। हमने गरीबों की मदद की, गरीबों की मदद किसने की, गरीबों की मदद किसने की, किसने की, किसने की अंग्रेजी होगी हु हेल्प द पुअर। सीधा सीधा तरीका है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में आपको जोड़ना है। अब ये हमने बताया था तीन सूत्र देखिए, अब उसी प्रकार से दूसरा फार्मूला जो हमारा होगा वो दूसरा फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वोज ओब्लिक वर। वाजवर के बाद में क्या दिया गया था, इजारे वाले में देखिए आप, वाजवर के बाद में नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, नाउन ओब्लिक एडजेक्टिव ओब्लिक एडवर्ब, ये दी हुई हो, उसमें आपको दिया गया था शहद मीठा होता है, जल जीवन होता है, बच्चे मासूम होते हैं। अब इसी को मैं पुराना बताता हूं, पुराने जमाने में बच्चे मासूम होते थे, अर्थात ही आ गई, पुराने जमाने में बच्चे मासूम होते थे तो क्या कर दोगे, चिल्ड्रन वर, चिल्ड्रन वर इनोसेंट इन ओल्डन डेज़।
चिल्ड्रन वर इनोसेंट इन ओल्डन डेज, ये कौन से हैं? अरस्तु एंड प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे, दार्शनिक यानी फिलोसफर, यूनानी यानी ग्रीक। अरस्तु एंड प्लेटो वर द ग्रीक फिलोसफर्स, थे होते थे, इसी पर बकाश इसका होगा, उसमें है इसमें था थी, बाकी दोनों एक ही हैं, वही है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दे रखा था, अब इसका पास हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दे दिया। तीसरा, सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, ये क्या हो जाएगा? इंटेंशन यानी इरादा, इंटेंशन हो जाएगा, उसमें पढ़ाना है, घर जाना है, ना है इसमें थाती आ जाएगा, अर्थात मुझे एक प्रतिवेदन तैयार करना था। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक प्रतिवेदन तैयार करना था, मुझे एक पार्टी में उपस्थित होना था, मुझे एक पार्टी में उपस्थित होना था, अब क्या हो जाएगा इसमें? यह सब्जेक्ट हो गया, प्रतिवेदन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तैयार करना इसके अंदर इसकी वर्ब हो गई, प्रतिवेदन बोलो, आई वॉज टू प्रिपेयर क्या? ए रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स प्रतिवेदन, मुझे एक पार्टी में उपस्थित होना था, आई वॉज टू अटेंड, अटेंड इन ए पार्टी, ना था, सीधा सा आप इतना ही याद रखें, ना है, ना है का मतलब है इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना था, ना था के अंदर आप रखें वॉज ओब्लिक वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना था, ना है में आ जाएगा। तो ये कौन सा था? आपका तीसरा, सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब दिया हूं, वाज वर्ब के बाद में टू प्लस इन्फिनिटिव दिया हुआ हूं, तो इसमें आपका यह आ जाएगा। अब चौथा कौन सा पॉइंट था? उधर हैज वाला आया था, तो इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, अकेला आएगा उसमें, हैजव के बाद में नाउन दिया हुआ था, लेकिन यहां पर हैजव हैड के प्लस आ जाएगा आपका नाउन, इसको अपनी वही पोजीशन आ जाएगा, पजेशन अधिकार सूचक आ जाएगा, जैसे किसान के पास एक खेत था, किसान के पास एक बड़ा खेत था या एक खेत था पास्ट का रखता है, उसके पास है प्रेजेंट में खेत था, द फार्मर हैड ए फार्म या फील्ड, जो भी देख सकते हैं, किसान को एक बीमारी थी, किसान को एक बीमारी थी,
द फार्मर हैड एन इलनेस, द फार्मर हैड एन इलनेस, इलनेस यानी बीमारी, था थी, मोहन के पास एक हाथी था, मोहन हैड एन एलिफेंट, गीता के पास एक घोड़ा था, गीता हैड ए हॉर्स, था। ये पास्ट का रूप हो गया, हैज के स्थान पर क्या आ गया, हैड, हैड के बाद में नाउन दिया हुआ है, देखिए हैड, हैड के बाद में फॉर्म नाउन है, हैड के बाद में ये नाउन है, तो इस प्रकार से आएगी। अब अपना पांचवा पॉइंट, चौथे के बाद में कौन सा जाएगा, पांचवा, पांचवा क्या था उसमें, हैज हैव के बाद टू इन्फिनिटिव दिया हुआ हूं, टू इन्फिनिटिव के बाद में क्या दिया हुआ हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवा पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन यानी बाध्यता, कॉम्प्लिकेशन। देखिए आपका लेसन हटा दिया गया है, द लास्ट लेसन सीनियर क्लास में जो था उसमें से ये पॉइंट थे, हैज हैव हैड का विशेष प्रयोग, हर लेसन के अंदर आपको ऐसी चीज़ें पूरी मिलेंगी, उसी के अनुसार सेंटेंस बनाए जाएंगे। जैसे किसान को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा, किसान को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा। एक बात का और ध्यान रखें, हैज हैव पड़ता है, हैड पड़ा, पड़ा सब आता है इसमें, पड़ता है, ये इतना ध्यान रखना। मुझे घर जाना पड़ा, आई हैड टू गो होम। किसान को अपने खेत का बंटवारा करना इसमें वर्ब है, पड़ा सब से पता चल गया अपन को हैड का विशेष क्या प्रयोग है, हैड टू प्लस इन्फिनिटिव है। द फार्मर हैड टू डिस्ट्रीब्यूट किसना, हिज यानी अपना, क्या हिज फील्ड, द फार्मर हैड टू डिस्ट्रीब्यूट हिज फील्ड, किसान को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा। मुझे घर जाना पड़ा, ये सारी चीजें जो है हमारी वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब देखिए आपको दोबारा से मैं रिपीटेशन की तरफ ले जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रेजेंट का है वैसे ही पास्ट का है। प्रेजेंट का आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आया तो इधर हमने पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म से किया, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल जिसको बोलते हैं इज आरम के बाद में नाउन दिया गया था तो इधर वाज वर्ब के बाद में नाउन दिया गया था, फिर उधर था इज आरम के बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किया गया था तो यहां पर भी किया गया था, वाज वर्ब के बाद में टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया था। फिर तीसरा प्रयोग हमने क्या किया था कि उसमें हैज हैव प्लस नाउन दिया गया था तो हैज के बाद में हमने यहां दिया था हैड का, हैड के बाद में नाउन, उधर हैज हैव हैव के बाद में टू इन्फिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लिकेशन दिया गया था तो इधर हमने दिया हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात कॉम्प्लिकेशन दे दिया गया है। किसान को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा, मुझे घर जाना पड़ा, मुझे दरवाजे खोलने पड़े, तो ये वर्ड है आई हैड टू ओपन द डोर। तो ये सारे जो है पास्ट के और प्रेजेंट दोनों आपको बता चुके हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शो करती है जब वो मैन रूप के कार्य करती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अपने आप में पास्ट इंडिफिनिट टेंस होती है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं छोड़ के जा रहा हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शो करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस को शो करती है, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको शो करती है? आप इसका आंसर कहेंगे सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट को करती है, तो परफेक्ट टेंस तो कैसे शो करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कहते हैं तो उसमें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव हैड इसका प्रयोग नहीं होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तीन होते हैं बॉडी पार्ट्स उसके, हैज हैव हैड। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम ये बताएंगे कि रियलिटी में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे बुक्स के अलावा हमारे रोज रूटीन वर्क्स में काम आते हैं। जैसे वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी मैंने लंच किया है, वह अभी भी दिल्ली से पहुंचा है। क्या आप किसी भारतीय नारी से मिले हैं? क्या आप मंदिर हो आए क्या? ये सेंटेंस क्लियर करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? नेक्स्ट वीडियोस में, दैट इज गुड।